नमस्कार मित्रों, मैं सुरजीत कुमार ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने परसेंट का बेसिक पढ़ा था, आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है, वो एक बार उसको ज़रूर देख लें, ताकि आगे वाले वीडियो में परसेंट को पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। देखिए, आज का अपना टॉपिक है कमी या वृद्धि के प्रश्न, और इन प्रश्नों में हम पढ़ेंगे, जैसे अपने परसेंट में आता है गृहिणी से संबंधित प्रश्न, खपत और खर्चे से संबंधित प्रश्न, एक अपने आते हैं क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, एक आते हैं ए बी से बड़ा है, बी ए से छोटा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत है कम होगा। अपना जो एग्जाम्पल है वो है ए बी से 20% ज़्यादा है तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ध्यान देना, जैसे मान लो हमें यहाँ दे रखा है 20% ज़्यादा। देखो, जो परसेंट के जो पर्सन है और उसमें अगर 20% सीधा सीधा दे रखा है तो उसे हम 100 पर ले सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता है कि ए बी से 12.5% ज़्यादा है हमने बात की थी कि ये जो परसेंट बटे में आता है इसे हम भिन्न में चेंज कर लेते हैं तो 12.5% ज़्यादा होगा। वहाँ हम 12.5% सोपर ना लेकर पहले 12.5% को भिन्न में बदल देंगे और 12.5% का भिन्न होता है 1/8। तो एक बार हम यहाँ समझते हैं, 1/8 का मतलब है 8 से 1 ज़्यादा। समझ में आई बात? अभी अपना जो क्वेश्चन था वो था ए बी से 20% ज़्यादा है तो 20% ज़्यादा होने का मतलब 100 पर 20 ज़्यादा है, मतलब जो ए है वो 20 से 20% ज़्यादा है तो मतलब 100 पर 20 ज़्यादा है तो 120 हो गया। ये वैल्यू किसकी होगी? एक की, क्योंकि ए ज़्यादा है किससे? बी से। बी की वैल्यू 100 तो 20 से 20 ज़्यादा हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या आई? 120 और बी की वैल्यू क्या आई? 100। अब हमें देखना है कि ये कितने प्रतिशत कम है। तो आप ये देखो, यहाँ कम कितना है? 20। और ये जो कम है वो किससे कम है, बी से या ए से? बात हम कर रहे हैं ए से कितना कम है। तो बताओ, यहाँ अपने पास जो 20 है वो कम तो है लेकिन किससे कम है? 120 से। तो नीचे आएगा 120। और देखो, हमने बात की थी कि किसी भी संख्या का परसेंट बनाना होता है तो उसे 100 से गुणा किया जाता है, गुणा 100। चलो इसको हल करेंगे, अपने पास आ जाएगा 100/6 और 100/6 को हल करेंगे तो 16 से ही 2/3%। समझ में आ गया? इसी को अगर हम बिन के हिसाब से हल करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे जो 20% आया अपने पास, उस 20% को बिन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20% का मतलब होता है 1/5, ऐसा पढ़ा था हमने। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने बेसिक नहीं पढ़ा है, प्लीज़ एक बार वो उस बेसिक को पढ़ लें ताकि आगे हमें आसानी हो जाएगी पढ़ने में। अब देखो, जैसे ये 1/5 है, इस 1/5 का मतलब हुआ कि 5 से 1 ज़्यादा। तो यहाँ जो 5 होगा वो तो वैल्यू होगी बी की, तो बी की वैल्यू तो हो गई 5 और ए की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमें देखना है कि बी ए से कितना कम है। तो यहाँ हम बात करेंगे तो बताओ कितना कम हुआ? 1
और ये कम किससे है, 6 से, तो 1/6 हो गया। और 1/6 को अगर परसेंट में बदलते हैं तो देखो 1/6 का तो हमें सीधा भी पता है, और अगर निकालना चाहेंगे तो भी वही आएगा, अपने पास क्या जाएगा 16/2/3%। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चीनी के भाव में 10% कमी होने से गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि खर्चा समान रहे। देखो ध्यान देना, मूल्य और खपत दोनों का जो गुणनफल होता है वो खर्चे के बराबर होता है। दूसरी बात एक और सीखे हम कि जैसे जैसे चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो उसका मतलब ये है कि अगर हमें खर्चा समान रखना है तो मूल्य बढ़ने के साथ साथ हमें उसकी खपत को कम करना होगा। तो हमें यहाँ देखना है कि मूल्य और खपत एक दूसरे के अपोजिट भी है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, चीनी के भाव में 10% की कमी हो गई, तो देखो 10% की कमी होने का मतलब है 100/10 की कमी, या अगर इस 10% को हम बिन में बदलना चाहें तो 1/10 की कमी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रारंभिक भाव था वो तो 10 था, और जो वर्तमान मूल्य हो गया, ये जो वर्तमान मूल्य आया ये कम हो गया, और कितना कम हो गया, 10/1 कम हो गया। तो बताओ 10 की बजाय वर्तमान मूल्य 1 कम का मतलब 9 हो गया, ये तो हो गया इसका मूल्य। हम बात कर रहे हैं खपत की, खपत को बढ़ाना है तो देखो मूल्य और खपत एक दूसरे के, अभी हमने बात की मूल्य और खपत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर मूल्य 10 और 9 है तो अगर इसी को अनुपात में कन्वर्ट करना चाहें तो खपत का अनुपात हो जाएगा 9:10। अब देखो खपत 9 से 10 हो गई, प्रारंभिक खपत क्या थी 9 और वर्तमान खपत क्या है 10। चलो यहाँ से देखो एक बार, जैसे प्रारंभिक खपत 9 वर्तमान खपत 10, तो बताओ कितनी खपत बढ़ गई यहाँ, 1, और ये जो 1 बढ़ी वो किस पर बढ़ी, 9 पर, तो 1/9 और गुणा 100, क्योंकि परसेंट बनाना है तो हमें 100 तो लगाना ही है। अब इसको हल करेंगे हम तो अपने पास क्या जाएगा, 100/9, और आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 11/1/9%। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि अगर आपको ये बटे वाले याद हो जाएंगे तो देखो 1/9 को हम सीधा ही 11/1/9% लिख सकते हैं, और ये तब संभव हो पाएगा जब हमें वो जो बटे वाले परसेंट थे वो अगर याद हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, तो शायद ये समझ में आया होगा आपको। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, टिकट दर में 14/2/7% की कमी होने से बिक्री दर कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि आय समान रहे। तो ध्यान देना, अब की बार अपने पास जो परसेंट है वो 14/2/7 है, और देखो 14/2/7 को हल करते हैं तो अपने पास बताओ क्या आ जाता है, 1/7। इसका मतलब ये हुआ कि जो टिकट की दर है वो 7 की बजाय 6 हो गई। एक टिकट का मूल्य पहले 7 था, अब 6 हो गया। अब अगर बिक्री दर की बात करें तो बिक्री दर इसकी उल्टी हो जाएगी, और बिक्री दर की बात करें तो 6 की बजाय क्या हो जाएगी, 7। चलो बात बताओ, 6 की बजाय क्या हो गया, 7। इसका मतलब यहाँ बताओ बिक्री दर कितनी बढ़ गई, 1/6, बड़ा कितने पे, 6 पे, और गुणा 100। 1/6 × 100 बताओ क्या होगा, 16/2/3%। अब की बार हम वो एग्जांपल लेंगे जिनमें अपने पास 2% देगा, जैसे वर्दी भी दे दे और कमी भी दे दे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। चलो ध्यान देना आपकी बार, देखो लंबाई को 10% बढ़ा दिया,
अब आप ये बताओ 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, और 1/10 का मतलब देखो अब हम सीधा लेंगे, 1/10 का मतलब हो गया कि उसकी लंबाई पहले 10 थी तो अब 1 बढ़ गई, मतलब 11 हो गई। ये तो बात हो गई उसकी लंबाई की, ये प्रारंभिक और ये वर्तमान। अब हम बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई में 20% की कमी है। 20% कमी का मतलब 1/5 कमी, और 1/5 का मतलब 5/1 की कमी, मतलब क्या हो गया 4। अब हम बात करें क्षेत्रफल की, देखो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जो प्रारंभिक उसका क्षेत्रफल होगा वो तो होगा 10/5 मतलब 50, और जो वर्तमान क्षेत्रफल है वो हो गया अपने पास 11/4 = 44। अब देखो देखिए यहां से अपना क्षेत्रफल बढ़ाया कम हुआ, देखो 6 कम हो गया ना यहां, तो क्षेत्रफल में 6 की कमी हो गई, और ये जो कमी हुई वो कितने में से हुई, 50 में से, तो 6/50, और इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100 स्कोल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 × 12%। इसका मतलब आयत के क्षेत्रफल में 12% की कमी हो जाती है। चलो इसी का एक दूसरा तरीका और ले लेते हैं हम, हाँ देखो ये जो एग्जांपल है इसका एक तरीका और बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि 10% बढ़ा दिया और 20% कमी कर दी, तो देखो जहाँ वृद्धि और कमी होती है ना, ये जो कमी और वृद्धि है वो 100 के हिसाब से है, तो 10% वृद्धि का मतलब हम सीधा 110 लिख सकते हैं भाई, जो परसेंट है वो 100 पे ही तो हो रहा है। 20% कमी को बताओ क्या लिख सकते हैं, हाँ 100 में से 20 कम करके लिख देंगे, तो बताओ 100 में से 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 और 100 अपने पास आ जाएगा 11/88। अब देखो ये जो 88 आया, हमें ये देखना है कि ये जो 88 है वो 100 से कम है या ज्यादा है, ये 100 से 12 कम है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके क्षेत्रफल में 12% की कमी आ गई। देखो ये जो तरीका है वो वहीं संभव है जहाँ ये जो परसेंट है ना वो सीधे सीधे हैं, जैसे अभी अपने पास 16/3, 12.5 ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है 10% है, 20% है, 30% हो, 40% हो, 50% हो, इस टाइप के जो परसेंट होते हैं उसमें हम सीधा कर सकते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं हम, देखो क्वेश्चन है आयत की लंबाई को 16/2/3% कम कर दिया और चौड़ाई में 11/1/9% की वृद्धि कर दी, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 16/2/3% कम करने का मतलब, सबसे पहले हम इस परसेंट की बात कर लें, 16/2/3% का मतलब 1/6, और ये जो 1/6 है इसका मतलब है 6/1 की कमी, मतलब उसकी लंबाई पहले 6 थी तो अब 1 कम हो गई, 5 हो गई, और 11/1/9% की वृद्धि, इसका मतलब पहले 11/1/9 का मतलब होगा 1/9, और 1/9 की वृद्धि का मतलब है कि चौड़ाई पहले 9 थी तो अब 1 बढ़ गई, मतलब 10 हो गया। चलो अब हम इसकी बात करते हैं आगे, आप ये बताओ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई तो अपने पास लंबाई तो ये आई थी और ये अपनी चौड़ाई है, तो बताओ 6/9 कितने हो गए, 54, ऐसे ही इधर अपने पास 5/10 कितना हो गया, 50। ये क्षेत्रफल प्रारंभिक और ये जो क्षेत्रफल आया वो नया क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें बताओ कमी हुई या वृद्धि, 4 की कमी,
और ये जो चार की कमी है वो कितने पर हुई? 54 पर। अब इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 100। सात सही 11/27%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि, तो खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि की, और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, और 1/6 कॉल करेंगे तो इसका मतलब हुआ 6/1 की वृद्धि, मतलब 7 हो गया। ऐसे ही अपने पास खपत में 20% की कमी है, और 20% का मतलब हो जाएगा अपने पास 1/5, इसका मतलब होगा 1/5, और 1/5 का मतलब होगा अपने पास कि प्रारंभिक खपत 5 थी तो अब 1 की कमी हो गई, मतलब कितनी हो गई? 4। देखो ये अपने पास कीमत है और ये अपनी खपत है, कीमत और खपत का गुणनफल ही खर्चा होता है, तो अपने पास आ जाएगा 6 × 5 = 30 और इधर हो जाएगा 7 × 4 = 28। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसका खर्चा 30 था और अब उसका खर्चा 28 है, तो बताओ कितने की कमी हुई? 2 की, और ये जो 2 की कमी है वो कितने पर हुई? 30 पर, और गुणा 100। इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 20/3, और 20/3 को हल करेंगे तो 6 सही 2/3%, और ये 6 सही 2/3% की क्या हुई? कमी हो गई। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, वर्ग की भुजा को 33 सही 1/3% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात ध्यान रखना, वर्ग वर्त समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं समान होती हैं, या वर्त की बात करें तो त्रिज्या, मतलब जिनकी भुजाएं समान होती हैं और उनके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये एक भुजा बढ़ाते हैं तो दो बार बढ़ता है, मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाता है। जैसे मान लो 33 सही 1/3% है तो इस 33 सही 1/3 का मतलब पहले तो ये देख लेते हैं, 33 सही 1/3% बढ़ना, चलो हमने बात की 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3, और 1/3 का मतलब है कि भुजा 3 पर 1 बढ़ गई, तो प्रारंभिक भुजा अगर 3 थी तो वर्तमान भुजा हो गई 4। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो बताओ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब है उस वर्ग का क्षेत्रफल 9 की बजाय 16 हो गया, तो देखो कितना बढ़ गया? 7, और ये जो 7 बढ़ा वो बढ़ा कितने पर? 9 पर, तो 7/9 × 100, और इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 700/9, और आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 77 सही 7/9%। अपना अगला टॉपिक है प्रतिशत मान के साथ साथ संख्यात्मक मान दिया हो। देखो हम यहाँ पढ़ेंगे कि जिसमें परसेंट वैल्यू भी दे और उसके साथ साथ उसकी संख्यात्मक वैल्यू भी दे दे, और वो जो प्रश्न होते हैं उसमें एक तो आता है आय व बचत के प्रश्न, एक आता है चुनाव के प्रश्न, और एक आता है परीक्षा संबंधित प्रश्न।
जैसे एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने से 50 अंक अधिक ले रहा है। इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आय व बचत के प्रश्न। चलो, आय और बचत के प्रश्नों में एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% शिक्षा पर, 15% आवास पर व 10% अन्य खर्च करता है तथा 3150 रुपये की बचत कर लेता है, तो उसकी कुल आय बताओ। ध्यान देना, यहाँ जो परसेंट है वो सीधा सीधा है और जो सीधा परसेंट आता है उसको हम 100 के हिसाब से कर लेंगे। ध्यान रखना, हम जो एग्ज़ाम देंगे उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पर्सन किस तरह से जल्दी हल होने वाला है। तो यहाँ जो पर्सन दिख रहा है उसमें हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये 100 के हिसाब से जल्दी हल हो जाएगा। तो देखो, हम इसको 100 के हिसाब से करेंगे, न कि बटे में कन्वर्ट करके। तो देखो, 100 के हिसाब से अगर इसको हल करते हैं हम, तो उस व्यक्ति की कुल आय को हम 100 मान लेते हैं। माना उस व्यक्ति की कुल आय कितनी है 100, और 100 में से वो 40 किस पर खर्च कर रहा है? शिक्षा पर। देखो, 40% का मतलब है 100 में से 40, तो 100 में से उसने 40 तो खर्च कर दिए शिक्षा पर, 15 खर्च कर दिए आवास पर और 10 खर्च कर दिए अन्य पर। इस प्रकार उसका टोटल खर्चा हो गया 65 रुपये। तो बताओ उसकी बचत क्या होगी? भाई 100 में से अगर 65 खर्च कर दिए तो उसकी बचत हुई 35 रुपये। अब ये जो 35 रुपये है वो 3150 के बराबर है। जो 35 रुपये वो किसके बराबर आए? 3150 के। तो बताओ एक बराबर क्या होगा? एक बराबर होगा 3150, एक बराबर होगा 3150 बटा 35। और हमें ज्ञात करना है 100 के बराबर, तो 100 बराबर निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3150 बटा 35 गुणा 100, और आगे इसको हल कर देंगे हम। तो देखो, हल करेंगे तो देखो 5 से 7 टाइम और 5 से 20 टाइम, उसके बाद 7 से इधर काटेंगे, 7 चौक 28, बच गए 3, 7 पंजू 35, 45 दूनी 90 और 2 जीरो लगा देंगे, मतलब उस व्यक्ति की कुल आय आ गई 9000 रुपये। देखो, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास यहाँ तक आया था कि उसकी कुल आय है 100, उसका खर्चा है 65 और उसकी बचत है 35। अब इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ तक जो हल हो गया वो तो हमारा परसेंट के हिसाब से हो गया, उसके बाद अपने पास जो वास्तविक जो वैल्यू है वो है 3150 रुपये, और ये जो 3150 है, ये जो 3150 है वो उसकी बचत है। तो इस बचत के नीचे हमने जो परसेंट से बचत निकाली थी वो लगा देंगे, तो 3150 बटा 35। ऐसा हम हर क्वेश्चन में कर सकते हैं कि पर्सन में जो मान दे रखा है उसके नीचे परसेंट वाला मान हम लगा देंगे। तो अपने पास आ गए 3150 बटा 35, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो देखो, हमें ज्ञात करना है कुल आय, और कुल आय निकालने के लिए अपने पास यहाँ कुल आय क्या है? 100। तो कुल आय निकालने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, इस तरह से अपने पास आ जाएगा 9000। ये आ गया। चलो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 65% लड़के हैं, फिर कह रहा है यदि लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या से 128 ज़्यादा है, तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थी बताओ। देखो यहाँ कुल विद्यार्थी भी निकाल सकते हैं, लड़कों की संख्या भी निकाल सकते हैं, लड़कियों की संख्या भी निकाल सकते हैं, चाहे मर्जी वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम। लेकिन सबसे पहले हम जो 62% है उसको हल करेंगे। देखो 62% का मतलब क्या होता है, हमने बात की थी 62% का मतलब होता है 5/8। एक बार जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जो 62% है उसको हम बटे में कन्वर्ट करेंगे, और बटे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 62% को हल करते हैं। तो 62% का हल होता है 125/2, और आगे अपने पास परसेंट लगा हुआ है, इस परसेंट को हल करते हैं तो नीचे अपने पास 100 आ जाता है। भाई हमने सीखा था कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आएगा 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100, तो अपने पास आ गया 5/8। आ गई भिन्न संख्या। अब ये जो 5/8 है, देखो इस पर्सन को हम परसेंट के हिसाब से न करके बिन के हिसाब से हल करेंगे। मतलब जो 5/8 है इसमें समझो कि 8 क्या है और 5 क्या है। तो देखो यहाँ अपने पास जो 8 आ रहा है वो तो हो गए कुल विद्यार्थी, और जो 5 आया वो देखो इसमें 62% थे कौन, लड़के। तो यहाँ अपने पास 8 में से 5 लड़के हो गए। अब अगर लड़के 5 हो गए तो लड़कियां कितनी बच गई, 3 लड़कियां बच गई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में आगे। आगे कह रहा था कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 128 ज्यादा है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 128 ज्यादा है। तो आप ये बताओ कि ये जो 128 है वो लड़के और लड़कियों का अंतर है, और यहां अपने पास लड़के और लड़कियों का अंतर क्या आएगा, 5 और 3 का अंतर 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी निकालने हैं तो गुणा में क्या लगाएंगे, 8। इसको हल करेंगे तो अपने पास ये कट रहा है 4 टाइम, और 4 को 128 से गुणा कर देंगे, 4 8 32 12 14 48 और 3 1। इस तरह से अपने पास कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ही 512। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमें दे दिया होता कि कुल लड़कियां बताओ, अगर यहाँ लड़कियों की संख्या पूछता है तो देखो अपने पास है था 128, ये अंतर था, और ये अंतर किसके बराबर था, 2 के बराबर। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, लड़कियों की संख्या, और यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें लड़कियों की संख्या क्या है, 3। तो यहाँ हम इस 128/2 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा 64 4 3 12। तो 128/2 × 3, इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा 192। समझ में आ गया होगा, चलो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 25% परिवार पर, और शेष का 50% अन्य कार्यों पर खर्च करता है, और उसके बाद शेष 1800 रुपये बचा लेता है। अब देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझना होगा कि यहाँ अपने पास शेष शेष शब्द दे दिया, तो देखो पर्सन को समझ के चलना है हमें। सबसे पहली लाइन पढ़ो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है,
इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100 में से 20 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। माना उसकी आय 100 है और 100 में से वो कितना खर्च कर देता है, 20 रुपए। उसके बाद देखो दे रखा है शेष का 25%। आप ये बताओ कि यहाँ 100 में से 20 खर्च हो गए तो अब शेष कितना बचा, 80। और 80 का जो 25% है वो परिवार पर खर्च करता है, तो 25% का मतलब 1/4, और 1/4 वो परिवार पर खर्च करता है, तो 80 का 1/4 क्या हो गया, 20। तो 20 रुपये वो परिवार पर खर्च कर देता है। अब देखो यहाँ से अपने पास 80 में से 20 खर्च हो गया, अब जो शेष है वो कितना बचेगा, 60। और 60 का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 50%। और 50% को 50/100 भी लिख सकते हैं, और चाहो तो 50% का सीधा क्या हो जाता है, 1/2। तो 60 का 1/2 क्या होगा, 30। मतलब 60 में से उसने 30 रुपए अन्य खर्च कर दिए और अब उसके पास 30 रुपए बचे। चलो अब क्वेश्चन में आ जाओ, शेष 1800 रुपए बचा लेता है। बताओ यहां उसकी जो बचत है वो 1800 रुपए है, और ये जो 1800 रुपए है वो किसके बराबर है, 30 के। तो 1800/30 अपना जो पहला क्वेश्चन था वो था उसकी कुल आय। चलो बताओ अगर कुल आय निकालनी है तो यहां हमने कुल आय क्या मानी थी, 100, तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। और अगर हमें परिवार पर खर्चा निकालना है तो अपने पास देखो यहां से जो परिवार का खर्चा आया था वो आया था 20, तो यहां इस संख्या को किससे गुणा कर देंगे, 20 से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कुल आय है, और कुल आय के लिए हम 1800/30 को किससे गुणा करेंगे, 100 से, और अपना हल हो जाएगा 60 को 100 से गुणा किया तो 6000। दूसरा जो क्वेश्चन है वो परिवार पर खर्चा है, तो परिवार का खर्चा निकालने के लिए 1800/30 गुणा में बताओ क्या करना होगा, हाँ गुणा में 20 लगा देंगे, गुणा 20। मतलब ये बात समझ में आई कि जो मान दिया गया होता है उसके नीचे तो वो ही मान लगाते हैं जो हम निकालते हैं। जैसे यहाँ हमें बचत दे रखी है तो नीचे भी हमने क्या लगा दी, बचत। और हमें ज्ञात क्या करना था, परिवार का खर्चा, और जो ज्ञात करना होता है वो कहाँ लगा देते हैं, गुणा में। अब हम इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 60/20 मतलब 1200 रुपए आ गए। आ गया समझ में, चलो नेक्स्ट लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 37.5% धार्मिक कार्यों पर, व शेष का 2/5% अन्य खर्च करता है। यदि उसके खर्च व बचत का अंतर 2820 रुपए है तो अन्य खर्चा बताओ। चलो एक बार समझना, यहाँ हमें प्रतिशत के साथ साथ बटे में भी वैल्यू दी गई है, तो इस पर्सन को हम परसेंट और भिन्न दोनों के हिसाब से हल करेंगे। जैसे मान लो पहला जो लाइन है वो तो है 20% बच्चों पर, तो ये जो 20% है वो तो 100 में से हो गया, तो 100 का 20% सीधा निकल जाएगा, कितना आ गया, 20। ये तो किस पर हो गया, बच्चों पर। उसके बाद रखा है शेष का। चलो आप ये बताओ पहले शेष कितना बचा, 80। और 80 का 37.5%, ये जो 37.5% है इसका मतलब क्या होता है, 3/8। तो 80 का 3/8 निकाल देंगे, और 80 का जो 3/8 है वो जाएगा अपने पास 30। अब बताओ 30 रुपये उसने धार्मिक कार्यों पर खर्च कर दिया,
थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो बताओ उसके पास अब बचत कितनी बची? 50। और ये जो 50 है, देखो यहाँ शेष लगा हुआ है, फिर से शेष का 2/5 भाग। तो 50 का 2/5 भाग, 50 का 2/5 भाग बताओ कितना हो जाएगा? 5 × 50, 10 × 20। ये जो 20 है वो उसने अन्य खर्च कर दिया, और उसके बाद उसके पास बताओ बचत कितनी बचेगी? वो उसने देखो 100 में से 20 खर्च किए, फिर 80 बचे, 80 में से 30 खर्च कर दिए, फिर उसके पास 50 बचे, 50 में से 20 खर्च कर दिए, तो उसकी बचत हो गई 30। ये हो गई उसकी बचत। अब देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है ना, उसमें दिया गया है खर्च व बचत का अंतर। चलो आप एक बार ये देखो कि खर्चा कितना हो गया उसका, 20, 30, 50 और 20, 70। 70 रुपये उसका खर्चा हो गया, और बचत कितनी उसकी? 30। तो 70 और 30 का अंतर बताओ कितना हो गया? 40। और यहाँ अपने पास जो अंतर है वो 2820। ये जो खर्च और बचत का अंतर है 2820, ये अपने पास 40 के बराबर आ रहा है। और हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो है उसका अन्य खर्चा बताओ। तो देखो अन्य खर्चा अगर हमें बताना है तो यहाँ से देखो अपने पास अन्य खर्चा कौन सा आ रहा है, तो अपना अन्य खर्चा है 20, तो हम गुणा में लगा देंगे 20 × 20। इस तरह से अपने पास हो जाएगा 2, और 2820 में 2 का भाग दिया तो अपने पास आ गया 1410 रुपये। इस प्रकार ये अपना अन्य खर्चा हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप अपनी चुनाव के प्रश्न। देखो हमने जो आय और बचत के प्रश्न पढ़े ना, सेम उसी तरह से चुनाव के प्रश्न होंगे। एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मान लो कि एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और उस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो ये 40% मत प्राप्त करने का मतलब है कि उसने 100 में से 40 प्राप्त किए, 100 में से 40 मत प्राप्त कर लिए, तो बताओ दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 60 मत। ये बात समझ में आ गई। अब एक को 40 मिले, एक को 60 मिले, तो आप ये बताओ इन दोनों में से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? 60 वाला, और हारेगा कौन सा? 40 वाला। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो हार जीत का आता है कि हार गया या जीत गया, तो चलो बताओ ये कितने से हार गया? देखो 20% से हार गया ये, और इसकी बात करें तो ये कितने से जीत गया? 20% से जीत गया ये। समझ में आ गई बात? अगर बात की जाए हारने वाले की, तो हारने वाला कौन सा है? 40% वाला। और बात की जाए जीतने वाले की, तो जीतने वाला कौन सा है? 60% वाला। अब हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ बताओ एक उम्मीदवार ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए? 60%। कितने में से प्राप्त किए इसने? 100 में से। मतलब 100 में से एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए, तो बताओ दूसरा उम्मीदवार कितने मत प्राप्त कर लेगा? दूसरा उम्मीदवार मत प्राप्त करेगा 40। चलो आगे वाली लाइन पढ़ो। और वह 1800 मतों से जीत गया। आप ये बताओ ये जो 1800 मत हैं वो इन दोनों की हार जीत का अंतर है, तो यहाँ बताओ कितने मतों से जीत गया? 20 से। अभी हमने पढ़ा था कि जो मान दिया गया होता है उसके नीचे उसी की परसेंट वैल्यू लगाते हैं, और हमारे पास जो परसेंट वैल्यू है वो यहाँ है, तो बताओ यहाँ हमने 1800 मतों से जीत गया, ये निकालना है, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे? 20। तो 1800/20, और ज्ञात क्या करना है? कुल मत। तो बताओ यहाँ अपने पास जो कुल मत है वो कौन से हैं? 100। तो 100 से इसको गुणा कर देंगे, अपना आंसर हो गया 9000।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उम्मीदवार ने 42.67% मत प्राप्त किए और वह 128 मतों से हार गया, तो कुल मत बताओ। देखो यहाँ भी दो ही उम्मीदवार होंगे और देखो 42.67%, अब की बार जो प्रतिशत वैल्यू है ना वो 100 के हिसाब से नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस 42.67 कॉल कर लेंगे। अगर हमें आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम इसको निकाल लेंगे। देखो इस कॉल करेंगे हम तो अपने पास आएगा 7 को 42 से गुणा करेंगे और उसमें 6 जोड़ लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 300/7। और परसेंट लगा हुआ है, परसेंट कॉल करने के लिए नीचे हम 100 लगा देंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 3/7। और ये जो 3/7 आया इसका मतलब है कि उस उम्मीदवार को 7 में से 3 मत मिले, और 7 में से अगर एक उम्मीदवार को 3 मत मिलते हैं तो अब हम बता सकते हैं दूसरे को कितने मिलेंगे, 4। अब ये भी बता सकते हैं कौन सा हारेगा, 3 वाला, और जीतेगा कौन सा, 4 वाला। और वैसे ये 128 मतों से हार रहा है, क्वेश्चन में जो दिया गया है 128 मतों से हार गया, तो यहाँ अगर 128 मतों से हार रहा है तो परसेंट में कितने से हार रहा है, अपने जो हमने जो हल किया उसमें कितने से हार रहा है, 1 से। तो यहाँ जो 128 है वो किसके बराबर आया, 1 के। और हमें ज्ञात क्या करना है, कुल मतों की संख्या। तो बताओ कुल मत कौन से हैं यहाँ, 7। देखो 100 तो ले नहीं सकते हम, तो बताओ क्या लेंगे, यहाँ 7 लेंगे और 128/7 और इसको करेंगे हम तो अपने पास आ जाएगा 8 × 7 = 56, 12 × 7 = 84 और 5 896। समझ में आ गया। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% मत अवैध हो गए, वैध मतों का 44.49% एक उम्मीदवार को मिले और वह 425 मतों से हार गया, तो कुल मत बताओ। देखो ध्यान देना यहाँ, अब की बार वैध और अवैध की बात है, तो देखो 10% मत अवैध हो गए, वो जो 10% हैं ये 10% 100 में से हुई है, तो माना कुल मतों की संख्या हम 100 मान लेते हैं, तो 100 में से अवैध हो गए 10 मत। देखो यहां ध्यान देना, वैध मतों का इसका मतलब ये 10 अवैध हो गए तो अपने पास वैध मत कितने बचे, 90, और 90 का कितना परसेंट है, 44.49%। अब एक बार ध्यान देना, हमने बात की थी कि जो परसेंट वैल्यू अगर बट्टे में है तो उसको हम बिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले हम इस संख्या को बिन में कन्वर्ट करते हैं तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 400/9, आगे परसेंट भी लगा हुआ है, और प्रतिशत कॉल करेंगे तो अपने पास नीचे गुणा 100 लगा देंगे, इस प्रकार अपना होगा 4/9। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो वैध मत थे ना, वैध मत अपने पास है 90, तो 90 का 4/9 एक उम्मीदवार को मिले, तो 90 का 4/9 अगर निकालेंगे तो 90 × 4/9, और इसको करेंगे हम तो अपने पास आ जाएगा 40 मत। यहाँ से ये जो 40 मत आए वो एक उम्मीदवार के आ गए, कितने में से आए, 90 में से। दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या क्या होगी, 50। भाई एक को 40 मिल गए तो दूसरे को 50 मिलेंगे। अब यहाँ से हम बात करेंगे तो बताओ कौन सा उम्मीदवार जीतेगा इन दोनों में से, 50 वाला, और हारेगा कौन सा, 40 वाला, और कितने से हारेगा, 10 से। अब देखो जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें दे रखा है 425 मतों से हार गया, 425 मतों से हार गया, तो ये जो 425 आया, ये जो मत आए वो आए इस 10 के बराबर, तो 425/10। देखो हमने पहले भी बात की है
कि जो भी मान हमें निकालना है, जो भी मान पर्सन में दिया गया है उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं, और जो मान हमें निकालना होता है उसकी वैल्यू हम गुणा में रख देते हैं। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, कुलमत। और कुलमत अगर निकालने हैं तो अपने पास यहाँ से बताओ कुलमत कौन से आए थे, 100, तो गुणा कर देंगे 100 से। इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4250। एक बात और, इसी क्वेश्चन में अगर कुल मतों की बजाय वैध मत दे देता कि वैध मतों की संख्या बताओ, वैध मतों की संख्या बताओ, तब हम क्या करते, जो 425 आया, ये 425 तो किसके बराबर है, 10 के बराबर। और अगर वैध मत हमें निकालने हैं तो देखो टोटल मत हमने 100 लिए थे, उनमें से 10 रिजेक्ट हो गए थे, अब अपने पास जो मत बचे वो कितने बचे, 90। तो वैध मतों की अगर संख्या निकालनी है तो हमें किससे गुणा करना है, 90 से। इस तरह से अपना हल हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18 और 4 = 22, उसके बाद 9 × 4 = 36 और 2 = 38। ये जो मत आए वो आए अपने पास वैध मत। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जो चैनल पर नए हैं वो नियमित क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और, इस वीडियो क्लास की PDF फाइल लेने के लिए दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।